हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पे। यहाँ पे हम अपने फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की एक सीरीज लेके आ रहे हैं। आप लोग के सीरीज कैसी लग रही है और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसकी पहले वाली जो सीरीज अगर आपने नहीं देखी है, जो मैंने ओड और एलजी बनाई है, तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके देख लीजिए। आज की टॉपिक हमारी रहेगी सोनेट। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मनोज जी, उन्होंने इस चीज़ को पूछा है कि सर सोनेट क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए, क्योंकि हम आने हर एग्ज़ाम में, जो आने वाले एग्ज़ाम में या इससे एग्ज़ाम हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक, तो जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज को कंटिन्यू पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। ठीक, और जिससे कि हम आपको समय पर ये वीडियोज़ आप पे उपलब्ध हो जाए। इसके लिए आपको बस इतना करना है कि नोटिफिकेशन की बेल बजा देनी है। चलिए आइए हम बात करते हैं अपने आज के जो टॉपिक है जिस पे हमने वीडियो बनाई, सोनेट। सोनेट क्या होती है बेसिकली? देखिए, सोनेट एंड इट्स काइंड, व्हाट इज सोनेट? सोनेट बेसिकली, ये ध्यान रखिएगा, सोनेट कैम फ्रॉम इटालियन वर्ड। ये इटली के एक वर्ड है सोनेटो, सोनेटो से लिया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यह इटली के एक वर्ड सोनेटो से लिया गया, विच मीन लिटिल सॉन्ग, जिसका मतलब छोटा गीत होता है। इट इज़ ए लिरिक पोएम कंसिस्ट ऑफ 49 रिटेनिंग आयम्बिक पेंटा मीटर। यह 14 लाइन की सोनेट होती है, 14 लाइन की कविता होती है, जिससे हम आयम्बिक पेंटा मीटर में लिखते हैं। सोनेट फॉर्म्स पे अगर हम बात करें, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना, 14 लाइन कविता होती है, तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम सोनेट के प्रकार पे बात करेंगे। सोनेट है 40 लाइन, 14 लाइन की होती है। इस सोनेट मस्ट बी रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ये भी मैंने बता दिया है, 14 लाइन की होती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। ए सोनेट मस्ट फ्लो स्पेसिफिक राइम। अगर आपको राइम नहीं पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं राइम पे ही स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक, अगर आप लोग अदरवाइज जानते हैं तो कोई बात नहीं। ठीक, सोनेट मस्ट फॉलो अ स्पेसिफिक राइम स्कीम डिपेंडिंग ऑन टाइप्स ऑफ सोनेट, और डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ सोनेट क्या है, जो कि शेक्सपियरियन है कि इटालियन सोनेट है, इस चीज़ को उस पर डिपेंड करता है। ए सोनेट कैन बी अबाउट द सब्जेक्ट थ्रू दे आर ऑफन अबाउट लव एंड नेचर। सोनेट का जो बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर रहता है, लव और नेचर के काफ़ी करीब रहता है, उसी पे सोनेट लिखी जाती है। ए सोनेट इंट्रोड्यूस ए प्रॉब्लम और ए क्वेश्चन इन द बिगनिंग एंड द रिजोल्यूशन इज ऑफर्ड आफ्टर टर्न्ड। इस चीज़ को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा। ठीक, आइए हम इसके अब टाइप्स ऑफ सोनेट पे बात करते हैं। काइंड्स ऑफ सोनेट्स, देखिए सोनेट दो प्रकार के होती हैं, पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट एंड शेक्सपियरियन सोनेट। अब इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई सर थॉमस वाइट ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड। कई एग्जामों में पूछा गया कि सोनेट इंट्रोड्यूस किसने किया है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इट वॉज इंस्टीट्यूट बाई सर थॉमस वाइट ड्यूरिंग द रेनेसा पीरियड। इट वॉज नेम आफ्टर द फेमस 14th सेंचुरी इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्रार्क। ठीक, और इसे पेट्रार्क और सोनेट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने इसको इसके नाम पे रख लिया। इस कंसिस्ट टू पार्ट, देखिए जो सो पेट्रार्कन सोनेट थी, दो पार्ट होते हैं इसके, पहला ऑक्टेव एंड सेस्टेव। ऑक्टेव जो होता है, द फर्स्ट 8 लाइन द पार्ट ऑफ द राइज क्वेश्चन और प्रॉब्लम। फर्स्ट 8 लाइन में आपको क्वेश्चन राइज करते हैं एंड सेस्टेव 6 लाइन में सोल्यूशन और आंसर देते हैं। इस पोएम की यही खासियत होती है, यह दो पार्ट में होती है, ऑक्टेव एंड सेस्टेव। ऑक्टेव में यह क्वेश्चन राइज करते हैं और सेस्टेव में उस क्वेश्चन को सोल्यूशन के रूप में या आंसर के रूप में उस क्वेश्चन को देते हैं। आइए हम अगर दूसरे प्रकार के सोनेट की बात करें, तो हमारे सामने दूसरे प्रकार के सोनेट आती है शेक्सपियरियन सोनेट। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, शेक्सपियरियन सोनेट ऑल्सो कॉल्ड एलिजाबेथियन वेदन सोनेट और इंग्लिश सोनेट। इससे ही यानी शेक्सपियरियन सोनेट को ही एलिजाबेथियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट कहा जाता है। इसकी राइमिंग स्कीम ध्यान रखिए, कई सारे एग्जामों में पूछी जाती है, नोट डाउन कर लीजिए, ए बी सी डी सी डी ई ई एफ ई एफ जी जी, इसका अंत हमेशा कपलेट्स होता है। दिस काइंड ऑफ सोनेट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट में इसको डिवाइड की जाती है, थ्री क्वार्टर एंड वन कपलेट व्हिच इज
इंटेंडेड। ठीक, देखिए थ्री क्वार्टेड यानी तीन तीन लाइन की, ये चार चार लाइन की तीन रहती है, ठीक, और एक दो लाइन की कपलेट होती है। क्वार्टेंट फोर लाइन एक्सप्रेसिव रिलेटेड आइडिया, देखिए नीचे मैंने इसे लिख भी दिया है, क्वार्टेंट फोर लाइन की होती है रिलेटेड स्पीक आइडिया एंड कपलेट सम ऑफ द पोएट मैसेज, और लास्ट की दो लाइनों में पूरे पोएम का निचोड़ होता है। ठीक, द सोनेट आल्सो हैज़ ए वोल्टा, ठीक, इसमें वोल्टा भी होता है। मेनी ऑफ द शेक्सपियर सोनेट आर सैड बिकॉज द अनरिक्वेस्टेड लव, इनकी जो अधिकतर पोएम थी जो लिखी गई थी वो सैड भी, क्योंकि इनके लव अफेयर्स के मुद्दे को लेके इन्होंने इसमें लिखा है हमेशा WH और इनके डार्क लेडी के मुद्दे के बारे में। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसे लगी, जिससे कि आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो, और आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें बताएं, हम उस टॉपिक को वीडियो बनाने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नए वीडियो में, हमारे साथ बने रहें।